हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले। आज हम बात करने वाले डायरिया पर। डायरिया क्या होता है, क्यों होता है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम होता है, इसका सबसे बड़ी क्या ट्रीटमेंट होता है, हम इस पर आज ढेर सारे बात करेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ, माय यूट्यूब चैनल लव नेस्ट मेडिकेयर में आप पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब देख लें तो लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मैं और एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है मेडिकल से रिलेटेड, डिजीज हो चाहे मेडिसिन हो, इससे रिलेटेड जा रहा है, तो आप इस सिर्फ वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बन रहा है। ये नहीं कि आप इस मेडिसिन ये वीडियो देखकर आप इस मेडिसिन का यूज करना स्टार्ट कर दें, नहीं। कोई भी मेडिसिन सेवन करने से पहले आपने पहले नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क किया, उसके बाद ही मेडिसिन का प्रयोग करें। नहीं तो अगर बिना नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क किए बिना अगर आप मेडिसिन का यूज करें आपको कुछ गले की सामना करना पड़ सके। तो सो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं। डायरिया क्या होता है? डायरिया इसे एक्चुअली डायरिया मीन्स होता है दस्त। डायरिया मीन्स होता है दस्त। तो डायरिया पर हम बहुत सारा बात करेंगे, डायरिया क्यों होता है, डायरिया होने क्या करें। तो चलिए हम बात करते हैं डायरिया पर। डायरिया हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इनबैलेंस होने को ही डायरिया कहते हैं। जैसे हम आपको डिटेल्स बताते हैं, डायरिया इतना ही नहीं होता, डायरिया जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज में डायरिया एक भयंकर प्रकार की बीमारी होता है जो अक्सर खाने पीने गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार फूड स्टोमक डाइजेस्टिव नहीं कर पाता, इस वजह से अनडाइजेस्टिव फूड को वाटर के साथ स्टूल आना ही डायरिया कहलाता है दोस्त। ओके, समझ गए। डायरिया ज़्यादातर पाँच साल वाला बच्चा को इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं मैं बोला 5 साल ही बच्चा को इफेक्ट करता, हर एज ग्रुप को हर एज ग्रुप वाले को इफेक्ट करता है, मगर बच्चा को ज़्यादा इफेक्ट करता है दोस्त। चलिए हम डायरिया समझिए। डायरिया 2 टाइप होता है, एक्यूट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया। आप एक्यूट डायरिया में बाद में बात करूँगा, तो अब इसका कॉज पर मैं बात करता हूँ, डायरिया क्यों होता है। डायरिया इसका मेन क्या था, कॉमन कॉज है कि इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कारण से आपको डायरिया हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण आपको डायरिया हो सकता है, या आपको एंटीबायोटिक ड्रग्स को सेवन करने से के साइड इफेक्ट से भी आपको डायरिया हो सकता है, आपको लीवर डिजीज से भी आपको डायरिया हो सकता है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कारण भी आपको डायरिया हो सकता है, या आपको और कॉन्स्टिपेशन के भी कारण से आपको डायरिया हो सकता है, और कंटामिनेटेड वाटर विथ फूड। जैसे आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी फूड सेवन कर लेते, जैसा ठेला के फूड हुआ, जैसे हम रात में जो फूड बनाए सुबह बच वो भी फूड हम खा लेते हैं, यही सब कारण से हम लोग को डायरिया होता। चलिए लोग, अब ये हो गया था, हम थोड़ा सा अब इसका साइन एंड सिम्टम पर बढ़ते हैं दोस्त। साइन एंड सिम्टम इसका क्या है, पेशेंट को लूज मोशन होना, लगातार दस्त होना, पानी जैसा दस्त होना, उसके पेशेंट को पेट में भारीपन फील होता है, पेशेंट को पेट में दर्द और मरोड़ करके लेटरिंग आता है, जी घबरा उल्टी जिसको नोशन वोमिटिंग कहता है, वजन घटना होता है, अधिक प्यास लगता है। डायरिया में देखिए ज़्यादा प्यास इसलिए लगता है कि बॉडी का वाटर आउटपुट होते जा रहा है और काफ़ी कमजोरी फील होता है, पेशेंट ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है डायरिया में, और थकान और महसूस ज़्यादा होगा, पेशाब किया ना बहुत कम होता है, एंड थकान और बेहोशी का भी हो सकता है आपको। ये सब आप समझने के बाद हम आप तो थोड़ा सा बढ़ते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट करने से दोस्त पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये आपको कोई पॉइंट नहीं बताएगा, मैं ये पॉइंट बता हूँ कि एक्यूट डायरिया में आपको क्या क्या खाना चाहिए। एक्यूट डायरिया में से फल का आप सेवन कर सकते हैं, फ्रूट एंड जूस का भी आप सेवन कर सकते हैं, एंड इसके बाद आप क्रोनिक डायरिया होता है, क्रोनिक डायरिया हम क्या भात और मूंग दाल का खिचड़ी बना के खा सकते हैं, और उसमें मूंग दाल और भात की खिचड़ी में सिर्फ आप डाल सकते हैं मूंग का दाल या नमक, इसके सिवा आप कुछ उसमें मत डालिए, उसको पूरा गला दिए उसके बाद खिलाओ। उसके बाद आप ये भी खिला सकते हैं, जैसे कि दोस्त भात को आप खिचड़ी जैसा बना के उसमें नमक डाल के आप पेशेंट को खिला सकता है। और ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्त, डायरिया में कभी आप भूल के भी दूध का सेवन नहीं करें, भूल के भी कभी आप दूध का सेवन नहीं कीजिए। चलिए सब जानने के बाद हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं ट्रीटमेंट पर। डायरिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, मैं दोस्त अभी फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं कि आप ये ट्रीटमेंट देखकर आप खुद से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क, उसके बाद ही आप मेडिसिन का सेवन करें। जैसे टेबलेट लोमाफीन प्लस होता है, इसमें लोफ्रामाइड हाइड्रोक्लोर 2 mg होता है, जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता ये है, ये आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लोफ्रामाइड एंड
अगर 2 mg में इसको सुबह शाम दोपहर ले सकते हैं आप खाना खा के। इसके बाद इसके साथ आप ORS घोल भी ले सकते हैं, इसके साथ आप ORS घोल और इसके बाद और एक टेबलेट नोट TZ ले सकते हैं, जिसमें नोटफ्लोक्सासिन टिनिडा जो लैक्टिक एसिड बेसलस रहता है, जिसमें ये इसका कॉम्बिनेशन रहेगा दोस्त, नोटफ्लोक्सासिन टिनिडाजोल एंड इसका कॉम्बिनेशन है, इसमें देखिए आपको मिलेगा लैक्टिक एसिड एंड बेसलस। इसके बाद आपको अगर पेट में दर्द हो रहा है तो टेबलेट 0 डॉल एस्पास ले सकते हैं, जिसमें एसलोफेनिक ड्रोटाबेनिक का कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर आपको वोमिटिंग हो रहा है तो टेबलेट वंडन ले लीजिए, वंडासेट्रॉन 4 mg का, जरूरत पड़े तो तब टेबलेट का, अदरवाइज ये टेबलेट 7। अगर आपको एसिड हो रहा है गैस कारण आपको छाती में जलन हो रहा है, पेट फूला लग रहा है, तो आप ये टेबलेट का सेवन करते ओमेजी, ये देख रहे हैं आप डिस्प्ले पर, ये भी आप सेवन कर सकते हैं दोस्त। इसके बाद अगर आपको टेबलेट्स अगर आपको ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो दोस्त इसके बाद इंजेक्शन लीजिए, इंजेक्शन जैसे जेंटामाइसिन 2 ml ले सकते हैं, इसको मांसपेशी या सीरामार्स जिसका IMIV कोई एक से ले, यानी कि दोनों उसमें कोई एक से ले सुबह शाम। इसके बाद मिकास्टर जिस कॉम्बिनेशन है एमिकासिन 5 mg, इसको भी आप सुबह शाम ले IMIV से। इसके बाद अगर आपको हो रहा पेट में अगर दर्द हो रहा है तो इंजेक्शन एक्वाडोल एस्पास लीजिए, जिसमें डाइक्लोफिनेक सोडियम डाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोरिक कॉम्बिनेशन रहेगा, जरूरत पड़े तभी ले इंजेक्शन, अदरवाइज नहीं तो नहीं ले, ओके दोस्त। इसके बाद अगर आपको वोमिटिंग नहीं रुक रहा है, वोमिटिंग इंजेक्शन इमसीड 2 ml लीजिए, जिसको ओंडासेट्रॉन है, जरूरत पड़े तो तभी ले, अदरवाइज नहीं तो नहीं ले। ये सब करने के बाद अगर बॉडी लोस ज़्यादा होने की वजह से अगर हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फ्लूइड, जैसे इंजेक्शन NS 500 ml ले सकते हैं। जैसे मेरे पास एक छोटा फाइल, मैं इसको दिखाना चाहूँगा, ये 100 ml का आप ले सकते हैं 500 ml का, ओके। अगर इंजेक्शन NS नहीं लेते DNS ले सकते हैं, जैसे DNS आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये DNS हुआ, ओके दोस्त, ये DNS हुआ। और DNS से भी अगर नहीं तो आप RL भी ले सकते हैं, जैसे कि दोस्त मैं बिथिन RL 500 ml ले सकते हैं। इस सब का यूज ओनली IV करना है दोस्त, ओनली IV यूज करना है। अगर इसमें आप वो सीरा मार्क से देना है, इसके बाद अगर दोस्त मैं एक और इस पर इस बात पर ध्यान रखना है डायरियम की यूरिन आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं दोस्त, भूल के भी आप कभी डायरियम D25 इंजेक्शन का यूज करो तो ओके दोस्त। लास्ट में अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर इससे कोई रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको कमेंट को 24 आवर के अंदर आपको इस कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, ओके दोस्त, थैंक यू, बाय बाय, ओके बाय।